हेलो दोस्तों, आज हम लोग नोटपैड के बारे में बेसिक से सीखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नोटपैड ओपन कैसे करते हैं इसके बारे में सीखते हैं। इसको हमने ओपन कर रखा है, इसको क्लोज करते हैं और स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे और ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमें दिख रहा है एसेसरीज। यहाँ पे एसेसरीज में जाएंगे और यहीं पे हमें मिलेगा नोट पैड। थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं और इसी पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा नोट पैड ओपन हो जाएगा। और इसको ओपन करने का एक तरीका और है, इसको हम क्लोज करते हैं अभी और विंडो की के साथ आर दबाएंगे और इसमें टाइप करेंगे नोट पैड, बिना विदाउट स्पेस के टाइप करेंगे नोट पैड। इसमें नोट पैड टाइप करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे, हमारा नोट पैड ओपन हो जाएगा। एक ये हमारा नोट पैड का विंडो ओपन हो चुका है। और ये सबसे ऊपर जो दिख रहा है ये हमारा टाइटल बार है और यहाँ इधर तीन कंट्रोल बटन होती हैं टाइटल बार पे ही, मिनिमाइज और बीच में मैक्सिमाइज और लास्ट में क्लोज बटन। हम कर्सर ले जाएंगे इस पे, उसका नाम भी दिखता है, इसका क्या काम है आगे बताएंगे। और उसके नीचे ये होता है मेन्यू बार, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू और व्यू मेन्यू, हेल्प मेन्यू। और उसी के नीचे होता है हमारा टेस्ट एरिया बोलते हैं। और ये हमारा जो ये बिलिंग कर रहा है हमारा, इसको बोलते हैं कर्सर। ये हमारा कर्सर है जो बिलिंग कर रहा है। और ये जो दिख रहा है हमें होता है हमारा इंसर्सर पॉइंट। क्या होता है इंसर्सर पॉइंट? और ये तीन कंट्रोल बटन का काम क्या है? इसका काम है मिनिमाइज, इसको हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये टास्क बार पर हाइड हो जाता है। और इसका काम है मैक्सिमाइज, ये हमारे डेस्कटॉप पर फुल विंडो में बड़ा हो जाता है। और इसका काम होता है क्लोज करना डॉक्यूमेंट को। सबसे पहले हम इसको मैक्सिमाइज करेंगे, ये तो हमारे फुल विंडो में बड़ा हो जाएगा ऐसा। और हम मिनिमाइज करते हैं तो ये हमारे टास्क बार पर हाइड हो गया है। और हम दोबारा से इसी पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। और हम क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा ऐसे। अब हम फिर से ओपन कर लेते हैं अभी के लिए विंडो के साथ आर, और इसमें टाइप करेंगे नोट पैड, ये हमारा ओपन हो जाएगा। और इसको हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं, ये हमारे फुल विंडो पे बड़ा हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू के बारे में बताएंगे।